हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हरेश और जैसा कि आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है अनमोल हिंदी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इस महाभृंगराज ऑयल की, जो कि एक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है जो आपको लगभग किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। मेरे पास ये 200 ml का बोतल है जो मुझे 195 rupees यानी कि 195 rupees में मिला था। आप इससे छोटा या बड़ा बोतल अपने जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये हेयर ऑयल आपको ऑफलाइन इजीली मिल जाएगी, फिर भी अगर आपको ये महाभृंगराज तेल नहीं मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी बाइंग लिंक दे दूंगा, जहां से आप इस हेयर ऑयल को ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, महाभृंगराज तेल को पुणे की रामकृष्ण विद्युत आयुर्वेदिक फार्मेसी बनाती है, जो कि ओरिजिनल महाभृंगराज तेल है। दोस्तों, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसके जैसे बहुत से डुप्लीकेट हेयर ऑयल मिलते हैं जो महाभृंगराज ऑयल के नाम पे बेचे जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल महाभृंगराज ऑयल जो सबसे ज्यादा फेमस है उसे पुणे की रामकृष्ण विद्युत आयुर्वेदिक फार्मेसी बनाती है। दोस्तों, वहीं बात करें इस हेयर ऑयल के क्लेम की, तो ये बालों को टूटने झड़ने से रोकता है, असमय बालों को सफेद होने से रोकता है, अनिंद्रा, बालों में रूसी होना, चाई, बालों का गंजापन जैसे समस्याओं पर मददगार है। इसके अलावा हाथ पैरों में जलन की समस्या हो तो उसमें भी ये तेल आराम दिलाने का काम करती है। दोस्तों, ये सारे क्लेम ये महाभृंगराज ऑयल करती है। दोस्तों, एक नजर हम इसके इंग्रेडिएंट्स में भी नजर डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कोकोनट ऑयल, तिल ऑयल, मक्का, ब्राह्मी, हिरदा, बेहड़ा, आमला, नागरमोथा, कचोरा, बावची, जटामासी, कपूरचरी, गुलाब, वाला एंड परमिटेड कलर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 100% आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा इसमें किसी भी तरह का केमिकल कंटेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो एक बात तो पक्की है, ये आपके बालों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जहां तक हो आपको इससे फायदा ही होगा। अब मैं आपको ये हेयर ऑयल भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हेयर ऑयल ट्रांसपेरेंट और हल्के ग्रीन कलर का दिखाई देता है, जिसमें से स्ट्रॉन्गर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की स्मेल सी आती है। इसकी स्मेल ज्यादा अच्छी भी नहीं और ज्यादा गंदी भी नहीं है, मतलब इस तेल में से ठीक ठाक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की स्मेल आती है, जिसे शायद मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, वही बात करें इसके यूजेस की, तो दोस्तों इस हेयर ऑयल को डेली रात में सोने से पहले अपने बालों पर और स्कैल्प पर लगाकर 5 मिनट तक मसाज करना रहता है। अगर कोई महिलाएं डेली अपने हेयर को वॉश नहीं करती है तो वो वीक में 3 बार इसे यूज कर सकती है। दोस्तों, इस हेयर ऑयल में कुछ बाहर से मिक्स नहीं करना है, इसे डायरेक्ट यूज करना रहता है, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसमें सब कुछ पहले से ही मिक्स हो रखा होता है, तो आपको इसमें अलग से कोकोनट ऑयल या तिल तेल मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ये महाभृंगराज तेल पहले से ही रेडी टू यूज रहता है, इसे डायरेक्ट अप्लाई करें। दोस्तों, मुझे यह महाभृंगराज तेल बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हेयर ऑयल है जो हेयर फॉल के नाम पर वो आयुर्वेदिक हेयर ऑयल के नाम पर बेचे जाते हैं, जिनके प्राइस भी 300-400 rupees से स्टार्ट होते हैं, जो 100% आयुर्वेदिक होने का दावा करते हैं, लेकिन जब हम उसके कंटेंट देखते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल कंटेंट भी डाले जाते हैं, जो आगे जाकर हमारे बालों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। लेकिन इस महाभृंगराज तेल में आपको किसी भी तरह का कोई भी केमिकल कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, और ऊपर से इसकी प्राइस भी कम है। इसका 100 ml का बोतल आपको इजीली 100 rupees यानी कि 100 rupees के आसपास मिल जाता है, और ये हेयर ऑयल आपको लगभग सभी केमिस्ट शॉप व आयुर्वेदिक स्टोर पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस हेयर ऑयल के रेगुलर इस्तेमाल से बालों के टूटने झड़ने की समस्या कम होती है, बाल जड़ों से मजबूत बनते हैं। आप इसे जितना ज्यादा लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे, ये आपको उतना ही ज्यादा फायदा देगी। दोस्तों, इस हेयर ऑयल की सबसे अच्छी बात, ये असमय पके बालों पर 100% वर्क करता है, वह सफेद बालों को नेचुरली काला बनाने में मदद करता है। आप इसे रेगुलर 25 से 30 दिन तक यूज करना, आप देखेंगे कि आपके सफेद बाल नेचुरली काले हो गए होंगे। सिर्फ 15 दिन के इस्तेमाल से ही बालों में चमक व कालापन आने लगता है। दोस्तों, अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे तो आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे। दोस्तों, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तभी आप मेरे बातों पर विश्वास कर पाएंगे। दोस्तों, असमय बालों के पकने की समस्या में तो ये हेयर ऑयल पक्का वर्क करता है। इसके अलावा इन्होंने क्लेम किया था कि ये बालों का गंजापन रोकने में सहायक है, ये भी सही क्लेम है। ये बालों को जड़ों से मजबूत करने का काम करता है, जिससे बालों के गंजेपन की समस्या ना के बराबर रह जाती है। लेकिन दोस्तों, ये हेयर ऑयल गंजे सिर पर बाल उगाने में सक्षम नहीं है,
ये हेयर ऑयल बालों को मजबूत करने का काम करता है, जिससे हेयर फॉल या हेयर लॉस की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। लेकिन ये हेयर ऑयल हेयर ग्रोथ में शायद उतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। इसके अलावा ये हेयर ऑयल डैंड्रफ की समस्या में भी वर्क करता है। ये हेयर ऑयल बालों में जमा डैंड्रफ कचरे को इकट्ठा करके अगले दिन जब हम हेयर वॉश करते हैं तब पानी के साथ निकाल देता है, जिससे हमारे बाल डैंड्रफ फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा ये हाथ पैरों की जलन मिटाने का दावा भी करता है। वैसे तो ये कोई ठंडा ठंडा कुलकुल तेल नहीं है, ना ही इसे लगाने से कोई ठंडक सी महसूस होती है, लेकिन इन्होंने दावा किया है कि ये हाथ पैरों की जलन मिटाने में मदद करता है। तो अगर आपको हाथ पैरों में जलन की समस्या रहती है तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया है। इसी के साथ इस तेल को रोजाना रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट सर पर लगाकर मालिश करने से स्वस्थ नींद की गारंटी इनकी कंपनी देती है, और इनकी गारंटी भी एकदम सही है। इस तेल को हम अगर रात को सोने से पहले सर पर लगाकर 10-15 मिनट सर की मालिश करते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी नींद आती है, जिसे मैंने पर्सनली महसूस किया है। दोस्तों, जिन्हें नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या रहती है, ऐसे लोगों ने इस हेयर ऑयल को डेली रात में लगाकर 10 से 15 मिनट तक सर की मालिश करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत अच्छी नींद आती है। सिर्फ सोने से पहले अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर रखना, आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है जो अपने क्लेम पर लगभग सही साबित हुआ है, जिसके बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए इसे कम से कम एक महीना तो आपको यूज करना ही चाहिए। दोस्तों, ये हेयर ऑयल बालों की हर तरह की समस्या में कारगर है, जिसे बहुत से लोग काफी सालों से यूज करते आ रहे हैं और ज्यादातर लोग इस पर भरोसा करते हैं, और मुझे भी ये हेयर ऑयल बहुत पसंद आई है। आप भी इस हेयर ऑयल को एक बार जरूर ट्राई करें, ये आपके बालों की समस्या को सॉल्व कर देगा। इस हेयर ऑयल के इस्तेमाल से बालों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। जहाँ तक हो, आपको इस हेयर ऑयल से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें। थैंक यू।